सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम सिद्धी गल प्रोफेसर मनजीत सिंह जी दे नाल ते मैं तुहाडा रमन बाजवा। दर्शकों, तुसीं इस प्रोग्राम राही देश दुनिया विच वापरी हर खबर की विस्थार पूर्वक जानकारी लैंदे हो ते इन्हां खबरां ते विस्थार पूर्वक जानकारी लई मेरे नाल मौजूद ने प्रोफेसर मनजीत सिंह जी ते प्रोग्राम दी शुरुआत तों पहलां उन्हां दा निघा स्वागत कर लैंदे हां। सत श्री अकाल प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। प्रोफेसर साहब, संसद विच पीएम मोदी वालों किसानों प्रति वरती गई माड़ी शब्दावली नूं लैके किसानों विच भारी रोस पाया जा रहा है। कल कुरुक्षेत्र विच महापंचायत बुलाई गई सी, जिस विच बीके आगू राकेश टकैत ने एक बार फिर तो दो टुक जवाब दे दिता है कि सरकार नाल दबाव हेठ गलबात संभव नहीं है, सरकार पहला एक सुखावा माहौल तैयार करे, उस तो बाद ही सरकार नाल गलबात की जाएगी। बिल्कुल, ये तो गल ठीक हैगी है कि तुसी लोकां ते केस बना के धक्का करके जो भी उत्थे उन्होंने हक च बोलदा उन्होंने तुसी धमकियां देने, UAP लाने, NIA पिछे पाने, ये सारे कामों के किवें हो सकता कि तुसी निगोशिएट भी कर रहे हैं और तुसी मार भी खाई जा रहे हैं। उन्होंने सरकार नू अपना एटीट्यूड बदलना पेगा। मैं तो इतों तक कहूँगा कि जिहड़ी भी घेराबंदी की आ, किल लाए आ, होर तारां लाईआं जां बड़े बड़े ब्लॉक उत्थे सड़क दे उत्ते खड़े कर दिते, वह सारे हटने चाहिए आ तां कि लगे कि असी आजाद देश दे विच जिहड़े प्रदर्शनकारी आ वह आजाद आ। और जिस किस्म का मजाक मोदी जी ने प्रदर्शनकारियों का अडाउण की कोशिश की राज्यसभा दे विच अपने 1 घंटा 16 मिनट के भाषण विच, उहदा प्रदर्शनकारियों का तो की मजाक उड्डना सीगा, उह ते पहले सड़कां दे बैठे आ, जो उन्होंने कुरबानियां करनियां कर चुके कर रहे हैं, कीतियां भी है, 200 तो वध लोग उत्थे शहीद हो गए आ, उन्हां लई एक शब्द नहीं सी उन्हां कोल मूँह दे विच कि मैनू बड़ा दुख आ, मैं असी उन्हां दी कंडोलेंस रखदे हां जां उत्थे राज्यसभा दे विच कंडोलेंस दा मता पास करदे, कुछ नहीं इहो जिहा कीता। उल्टा उन्हां दा मजाक उड़ाउण दी जदों कोशिश कीती ते सारी दुनिया दे विच प्रधानमंत्री जी मोदी जी दा मजाक उड्डिया कि इह प्रदर्शनकारियां नूं की कहना चाहते हैं, तुम प्रदर्शन जीवी कहना कहना चाहते हैं, तो कई तो यह भी कहता कि वह पैरासाइट है, वह जाने जितना कीटाणु होंगे शरीर च वड़ के तो दूजियां नूं खांदे आ, जोकां हैगियां उस किस्म दे इन्होंने परजीवी भी कहण की कोशिश की। उहदा जवाब कल कुरुक्षेत्रा दे विच कीता और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दे जिहड़े शब्द आ वह सानू चंगे नहीं लगे, उन्होंने ये एक घट्टो घट प्रधानमंत्री की शब्दावली नहीं सी होना चाहिए। और उन्होंने उही गल कही जो मैं कह रहा कि इन्होंने मजाक उड़ाने की प्रदर्शनकारियों की कोशिश की हैगी। दूसरी गल जी है कि माहौल वाली, बिल्कुल तुसी जिवें कहा कि माहौल तो बिल्कुल एक जब तक गलबात का माहौल है नहीं तो बार बार उत्थे जाके 11 मीटिंगां चों कुछ नहीं निकलिया, गांह भी की निकलूगा। इत्थों जे माहौल ठीक होऊ तो यह पता लगेगा, किसानों नूं मैसेज साफ होगा कि सरकार हुण थल्ले उतर के किसानां दे पद्धर दे उत्ते एक वार्तालाप करके कोई ना कोई वाकया ही हल कढ़न लई संजीदा है। इस तो अलावा जे देखिया जावे तो हरियाणे च जिहड़ियां बड़ियां बड़ियां रैलियां हो रहियां, जींद च होई, चरखी दादरी च होई, हुण कुरुक्षेत्रा च होई, उहने खट्टर सरकार दा काफ़ी काफ़िया तंग कीता होया। खट्टर सर खट्टर जी का भी बयान आया, उन्होंने कहा देखो जी ये तो किसानों के मोढ़े ते रख के लोग बंदूक चला रहे हैं। उन्होंने गुरनाम सिंह चडूनी का भी नाम लिया कि जिवें कि वह लीडर ना हो, लीडर हुण तुसी ठेका लिया, तुसी कल्या ने बंदूकां चलाई जानियां वा, किसानों के मोढ़े ते रख के दूजे भी चला सकते हैं। किसानों के जे बच्चे बॉर्डर के उत्ते जाके फौजी बन के बंदूकां चला सकते, वह खुद भी चला सकते, किसी को कोई लोड़ नहीं उन्हों का मोढ़ा वरतण की, उन्हों का अपना हाथ मोढ़ा दिमाग ते जथेबंदी काफ़ी मजबूत हैगे आ, वो अपने रस्ते आप लब सकते, अपनी लड़ाई ते अपन बंदूकां जानी जड़ियाँ सोच दियाँ बंदूकां असली बंदूकां नहीं वो आप चला सकते, जिहदी गल बंदूक चलाउण दी खट्टर साहब कहिंदे आ। मैनूं लगदा ये एक प्रदर्शनकारियां दी भावें प्रधानमंत्री की भाषा आ भावें खट्टर साहब की भाषा, इन्हां नूं हजम ही नहीं हुंदा कि लोग जैनुअन अपनियां मंगां लैके जा सकते। कदी तो कहिंदे कि दूजे इन्हां नूं वरत रहे आ, ये बेवकूफ आ, असी फिर उन्होंने इस गल नूं दोहराता। मैनूं बड़ी हैरानी की गल आ कि इन्नी चमची प्रधानमंत्री की मारन की की लोड़ इन्हां चीफ मिनिस्टरां नूं पई आ। खट्टर साहब कहिंदे जी देखो प्रधानमंत्री ने देखिया कानून तो बहुत चंगे हैगे, कानून तो इन्हां नूं अमीर बनाउणगे, कानून इन्हां दे मिडलमैन जिहड़े विच विचोलिए उन्हां नूं खत्म करनगे, कानून किसानां नूं आजाद करनगे, फिर इन्हां नूं किस गल की तकलीफ आ। इहदा मतलब है कि ये जिहड़े किसान वो कुछ क लीडर राही वरते जा रहे आ, इह खट्टर साहब का कहना। दसो ऐस एडे वे लंबे सफर जर्नी करने तो बाद
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਮਨ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲ ਝੜਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਬਰ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੂਤਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧੂਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਆ WTO ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ WTO ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ, WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 10% ਅਸੀਂ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ WTO ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਰੋਮਨ ਜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂਤੀ ਵੱਜਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੈਟਜੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਲਕੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਮੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਉਛਾਲਾ ਅਤੇ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਮਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਐਜ਼ ਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ MP ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਅਮੈਂਡਡ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜੋੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੋਵੇਂ M ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2M ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਈ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਧਰੋਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਡੀ ਰੋਮਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਖੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ RSS ਬੇਸਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਆ, ਜੋ ਸੁਕੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ
एक 11 मिनट की उम्मीद जे करते हैं तो मैं लगता वो तो अजे बहुत दूर है, वड्डा हमला मारना पेगा। बाकी तो ठीक है, जो बिल लियाउणगे उन्होंने सारी गल की आ, किसानों के हक च भी की आ, होर सारी गल की आ, वो तो एक वेलकम गल हैगी। हाँ जी सोमन, जी प्रोफेसर साहब, लाल किला हिंसा मामले में नामजद ठहराए गए दीप सिद्धू नूं कल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो कल उन्होंने अदालत में पेश करके 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। हाँ, इहदे ते कई किस्म दीआं कयास राईआं ते कई किस्म दीआं गल्लां बातां चल पईआं आ। कोई तो देखो किसानां दा एक अपना रिस्पोंस हैगा, पहलां तो यह सी कि जे वो उत्थे गए सी तो उन्होंने अंडरग्राउंड होण दी की लोड़ सी, उन्होंने पता सी कि 1 लाख दा उन्हां दा नाम रख्या, शायद लखा सिधाणा ते भी रख्या। जदों आपां कोई काम करदे आ लोकां लई करदे आ, लोकां दे हित च करदे आ, फिर गिरफ्तारियां तों क्यों डरना। आपां ते काम लोकां दे हित च करदे आ ना, जे तुसीं ठीक आ, जे जो भी होवे फिर आपां नूं फेस करना चाहिए, लुकण दी गल नहीं। हुण जिस तरीके नाल फड़िया गया कहिंदे जी उत्थे किते बिहार वाल इन्हां दा परिवार हैगा आ, उत्थे जाण नूं करनाल नेड़ियों फड़े गए, तो वह एक अपने आप च कोई मैनूं ऐं लगदा कि आपां दोहरी मानसिकता दे विच रहिंदे आ। एक तो यह कि असी बड़े दबंग आ, असी बड़े तकड़े आ, असी भारत की सरकार नूं कुछ नहीं समझते, फिर जदों भारत की सरकार अगे वधदी आ फिर असी अंडरग्राउंड हो जांदे आ कछुए वांगू। वो जितना अपने शैल च श्री अंदर कर लैंदा जो कोई आउंदा, उस किस्म का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। रही गल कि हुण ये ठीक आ गलत आ, इहदे विच मैं किसानों की राय जरूर दस दिंदा आ। जितना रुलदू सिंह ने कहा भी फड़े गए, फड़े ही जाना चाहिए सी, उन्होंने तो यहो जहा कुछ किया जो नहीं सी उन्होंने करना चाहिए, तो जे उन्होंने हुण फड़ के कोई भी सजा मिलती है सानू की ओडी उस गल की खेद नहीं है। हालांकि राज्यवाल जी ने जो पूछा गया उन्होंने कहा नो कमेंट, जब होर भी कई लीडर पूछा गया तो उन्होंने कोई बहुता दीप सिद्धू के हक में हंगारा नहीं दिता। इवन राकेश टकैत ने भी कहा कि उन्होंने जो कुछ किया असी उस दिन 26 तरीक किया असी प्रार्थना करते हैं। इस करके कुल मिला के रोमन किसान जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चा बाई एंड लार्ज वो इस गल तो आघात ज कोई बहुत स्टंड नहीं होए कि यह की हो गया, इसनों छड़ना चाहिए। वह कारण उन्होंने मन में यही है कि इन्होंने साड़ी जिहड़ी चढ़ी चढ़ाई गुड्डी सी उदण वाला ट्रैक्टर मार्च से उसनों खराब करने की कोशिश की, उसनों डाइवर्ट करके लाल किले वल ले जाके, हालांकि सरकार ने भी उहदे विच काफ़ी इस गल की उन्होंने अलाउ किया कि उदन जान किसी नूं रोकिया नहीं, जे रोक दे तो शायद इस नौबत ना पहुँचती। तो और वो मार्च जिहड़ा सी 70-80 घंटे तक लंबा लगातार मार्च वो चलना सी, जो पुलिस वालिया दी रिपोर्टा सी उहदी हवा कढ़न लई वो समझते हैं किसान लीडर कि सिद्धू ज होर इन्हों के जेडे वह जे बंदे है जिन्होंने पुलिस लभदी फिरदी है, वह इस गल के डाइवर्शन दे किसान मूवमेंट नूं धक्का पहुंचाउण दे ये जिम्मेवार है। इस करके उन्होंने कोई बहुता दुख उस किस्म का प्रगट नहीं किया, पर फिर भी असं ये कहेंगे कि कोई भी जिहड़ा इहोजा पोलीटिकल डेटेन्यू है जिन्हों डिटेन किया कोई थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट कुट मार जां होर नहीं होना चाहिए। पर बहुत सारे लोग तो अजे ये भी कह रहे रोमन कि यह भी ड्रामा ही आ, सरकारी बंदा वो RSS का बंदा वो BJP का बंदा उन्हूं फड़ के सगो हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, यहो जी भी एक विचार चल रहा, यहो जी कंट्रोवर्सी चलती रहेगी आने वाले समय च। हाँ जी रोमन, जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, गलबात का सिलसिला असं जारी रखेंगे, पर इतने रुक रहे हैं एक छोटे जिहे ब्रेक के लिए, तुसीं बने रहो साडे नाल चटिका टाइम टीवी ते। ब्रेक तो बाद साडे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है, तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम सिद्धी गल प्रोफेसर मनजीत सिंह जी दे नाल। प्रोफेसर साहब, हुण असीं नगर कौंसल चोणां दी गल करिए, तां नगर कौंसल चोणां नूं लै के भी माहौल काफ़ी गरमाया होया, तो भाजपा आगूआं दा जगह जगह विरोध भी किया जा रहा है, तो कल किसानां वल्लों अश्विनी शर्मा का घिराओ किया गया, भाजपा प्रधान की गड्डी ते हमला किया गया, तो साबका विधायक सुखपाल सिंह नाल धक्का मुक्की हुई। देखो ये दो व्यू आए हैं, जेडे तो किसान वीर है वह तो कहते असी प्रोटेस्ट जरूर कर रहे हैं, साडा किसी भी वायलेंस के हाथ नहीं है, जेडे भी बंद ने वायलेंस की वो फड़े जाण, वो कोई भी घट्टो घट किसान मूवमेंट के हक वाले तो बंदे नहीं है, जेड़ा भी यहोजी वायलेंस करते कोई निजी दुश्मनी हो सकती है जां किसी की कोई राजनीतिक खेड़ प्राणी हो सकती, वो कढ़ने लिए किसानों के नाँ के उत्ते उन्होंने किसानों मूवमेंट में वरत्या जा रहा, ही उन्होंने बदनाम किया जा रहा, साड़ी इस वायलेंस में कोई किसी किस्म का हाथ नहीं।
वैसे मैं ये गल कहां कि जो इलेक्शन है उसमें फ्री एंड फेयर माहौल होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो ठीक है प्रोटेस्ट दूरों रह के करो, पर इहदा मतलब ये नहीं कि आप इन्ना कोई भी पार्टी हो कल नू इस तरह होगा कि जे असी वो पार्टी जे पारू होगी तो साडा नक विच दम कर दूगी, कर ही रहे हैं जो किसानों का उत्थे हालत की है, तो जे असी इस मोदी सरकार नू उत्थे निंद रहे हैं कि उन्होंने किवें घेराबंदी किसान मूवमेंट के मोर्चे की उत्थे करके रखी, किवें हमला किया, किवें इंटरनेट बंद किया जाता है, जो असी इस गल की परसना लगातार करते हैं किसान मूवमेंट अंदोलनकारियों के हक च बोलते हैं तो सानू दूसरे पासे पार्टी भावें हालांकि देखो जो उन्होंने लीडर के विचार है वह किसी भी फासिज्म वालों फासिस्ट विचार नालों घट नहीं, उधर नू सारी जी सूई जाती है, डेमोक्रेटिक लोगों के हक हकूक इतने कायम रहन, इतने संविधानिक राज कायम रहे, ओहो जे बहुती बिरती ज सोच ज वह जे एक्शन सानू नज़र इस पार्टी वालों तो इस जड़ा एन डी ए सरकार वालों नहीं नज़र आते, पर बावजूद भी एक प्रक्रिया है आप उसनू इस पद्धर ते ना लै जाइए कि दूसरी दूसरे जिहड़े बंदे आ उन्हां नू ये कहण दा मौका लग जाए कि देखो जी सानू ते इलैक्शन लड़ नहीं दित्ती, असीं तां हार गए, सानू ते इंज करता उंज करता, वो ठीक है वैसे ही उन्हां दी कोई इत्थे बहुती ग्राउंड रही नहीं शहरां दे विच भी है ना पिंडां च ते की रहनी शहरां च भी नहीं रही, पर फिर भी जिहड़े प्रदर्शन रहण मैं इस गल दे विरोध च नहीं आ, प्रदर्शन ते रहणगे क्योंकि तुसीं कुछ गल नहीं सुणोगे, लोक प्रदर्शन करनगे, किसे ते हमला करना वायलेंस करनी वो एक बिल्कुल निंदना निंदिया जाना चाहिए था और वो बिल्कुल उदी कोई जगह नहीं होगी क्योंकि जिहड़ी स्टेट रूलिंग पार्टी होंदी है उन्हां कोल इस गल दे बहाने च बहुत लोगों नू जिवें दीप सिद्धू नू हुण अरैसट किया फिर इहो जे बहाने दे विच वो फिर इहो जिहा तमाचे लाउंदे आ इहो जिहा जानी अपना फेंटा लाउंदे आ ते जिहदे नाल फिर साडा कई वारी लाइफ लोंग साडे कई एक्टिविस्टां दे सट्टां पिट्टां जिहड़ियां दर्दां करदियां रहिंदियां, इह काम च सानू नहीं हुल्लड़बाजी होए जां कुटमार होए शीशे तोड़ने होण बिल्कुल इहदे तों अवॉइड करना चाहीदा, इह काम सरकारां दा हुंदा प्रदर्शनकारियां दा नहीं हुंदा, उधर गरेवाल ते भी किसी ने चुस्की लई आ कहिंदे जिहड़ा साडियां मूवमेंटां नूं वंगारता सी अज नज़र नहीं आउंदा, इह भी गल मेरा ख्याल सिंपैथेटिकली लैणी चाहीदी है, उन्हां ने अपने लीडरां दे पिछे लै के बयान ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਮਨ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਬਾਕੀ 6 ਬੰਦੇ ਬੇਲ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, 122 'ਚੋਂ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਡੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਇੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰੀ ਸੇਵਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਚੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਮਰ ਕੈਦ ਉਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲੌਂਗ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਬੇਸਡ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਮਨ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋ ਪਖਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ।
ठीक है ताड़ी गल। हाँ कि जरा उन्होंने किसान ने तो कुदरती आप पहली खबर के खबर ताइए डिटेल कर चुके थे कि किसान जगह जगह जिते जिते प्रदर्शन होए उन्होंने इस गल का सख्त नोटिस लिया। वैसे भी एक प्रधानमंत्री बच्चों वागू जो गल करे वो प्रधानमंत्रियों ने वाली गल नहीं है। वो जिस तरीके हूँ तुम उ ट्रंप दे जाके जफ्फिया ही पाई गए उन्होंने वैसे दे जफ्फी पाने का रवाज नहीं है हाथ मिलाने का रवाज हैगा तुम एवं किसी के मोढ़िया से चढ़े जाओ कोई बहुती कोई पसंद नहीं करता इस गल। दूसरी गल उन्होंने हाथ फड़ के चलो उत्थे ए जिमें दो पहलवान करते होंगे कि आज अब की बार ट्रंप सरकार ये भारत है कोई कोई अपना साढ़ा तो गुजरात है जिथे योजना गल करते हैं योजे शोशेबाजी विदेशों नहीं चलती है इन्हों समझ होनी चाहिए। उ गल पार्लीमेंट के पता नहीं उन्होंने भगत उन्होंने की उम्मीद करते हैं। तो किसान की जिस तरीके एक पासे गलबात करने का सद्दा दें दूजे पासे मजाक उड़ाने दोवें गल्लां कट्ठियां नहीं जाणगियां। इस करके टगैत साहब ने कहा कि माहौल पैदा करो तो माहौल ता ही पैदा होगा जे ये उन्हां दियां मूवमेंट का मजाक उड़ाने की जगह एक सीरीयस लैणगे उन्होंने और उन्होंने नाल दिलों कोई किसी किस्म का जिहड़ी जिम्मेवारी समझणगे। हाँ जी रोमन जी प्रोफेसर साहब उधर मुक्तसर की धी नवदीप कार का मामला जोड़ा इन्हें दिन काफ़ी सुर्खियों में बनया हुआ है। पुलिस तशद लैके जगह जगह पर उन्होंने समर्थन में रोस प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल जो नवदीप वाला मामला हैगा कल कही दिया कि ट्विटर से ज होर जो सोशल मीडिया से नंबर वन से ट्रेंडिंग से चल रहा है। ये वाकया ही एडा अहम मामला की मामला क्यों अहम मामला एक तो यंग स्टूडेंट हैगी है ना वो गां पढ़ना चाहती है वो एहोजियां बच्चियां जिहड़ियां अगे यंग एज दे विच तुहानू सारे देश दे विच कित्थे मिलदियां वो भी दलित समाज विचों वो भी एक औरत होण दे नाते वो भी पेंडू होण दे नाते वो भी एक मजदूर जमात मजदूर दे घरों होण दे नाते इसलिए इस बच्ची का कोई भी गल एवं नहीं है प्रदर्शनकारियां जो दोवें धिर आमने सामने होंगे बहुत कुछ होंगे कहें जी पुलिस नूं कुटिया इस करके असीं इहनूं कुटणा यह कोई गल नहीं बनती है। जदों सानू कोई जिहड़ा जिहनूं तुसीं सदा लई दबा के रखदे आ उहनां दे पैसे नहीं दिंदे उहनां दे दोवां तुसीं मजदूरां दे पैसे नहीं दिंदे जदों लड़ाई करदे आ फिर तुसीं अग्गे पुलिस लैके आ जांदे आ इहनां कोल मजदूरां कोल ते कोई पुलिस नहीं उहनां ते अपने आप नूं आप ही डिफेंड करना जदों इहो जी हालात बनदी है ते उहदे विच पहिलां ते हालात बने क्यों तुसी जो मजदूरों का ड्यू बनता वेले सिर उन्हां दी पेमेंट करो उन्हां दी जो 7 तरीक नूं सारी वेज करनी होती सारे कायदे कानून बने हुए हैं तुसी सारा सिक्के टंग के लोगों की इस किस्म की जिवें कि कोई मेडिवियल टाइम के स्लेव रखे होंगे या गुलाम रखे होंगे इहो जिहियां गल्लां करोगे तो जे फिर वो विरुद्ध बगावत हुंदी आ वो भी इस बच्ची वालों तो कुदरती आ लोग तो सारी दुनिया च पसंद करनगे पर साडे रूलर्स नूं इह गल पसंद नहीं आउंदी। इह सारे प्रदर्शनकारी मैं कहिंदा सारे देश दे ते विदेशां दे सारियां नूं लगातार मंग करना चाहिए कि उसनूं एक तो इनकुआरी होवे तुरंत जिहड़ा उहदे ते शरीरक टॉर्चर किया गया और दूसरा उसनूं तुरंत रिहा किया जाए। मेरा ख्याल है प्रदर्शनकारियों नूं इहो जी बच्ची नूं ऑनर करना चाहिए वह साडे मूवमेंटां दी एक हीरोइन है और उस मुताबिक ही उसनूं वड्डा एक रुतबा साडी मूवमेंटां दे विच मिलना चाहिए। हाँ जी रोमन सो प्रोफेसर साहब इस दिन वेला चलिया प्रोग्राम की समाप्ति वाल तुहाडे तों इजाजत चाहवांगे तुसीं अपना कीमती समा कढ्यो लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रोमन तुहाडा तुहाडी टीम का साडे स्रोतियां का बहुत बहुत धन्यवाद जी। दर्शकों तुसीं देख रहे सी प्रोग्राम सिद्धी गल कल फिर हाजिर होवांगे इजाजत दिओ धन्यवाद।